मला मराठी येत नाही, तो क्या मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ? हिंदी बराबर समझ में आ गया आपसे? मुझे भी थोड़ी थोड़ी मराठी आती है। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सद्भावना दौर में शामिल हुए हमारे तरुण कार्यकर्ता, नौजवान साथी, सेतकरी मेला में आए हुए तमाम किसान, मजदूर भाइयों और बहनों, इस इलाके के कोल्हापुर सिटी के कोल्हापुर जिले के तमाम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले तमाम कामगारों को, नौकरी करने वालों को, बिजनेस करके अपने परिवार का पेट भरने वाले आप सभी महाराष्ट्र की महान भूमि के एक एक कार्यकर्ताओं को अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मेरे से पहले तमाम स्पीकर्स ने पूरे मंच को संबोधित किया है, और सबसे मजेदार बात तो इस रैली की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अध्यक्ष इसलिए बना देते हैं ताकि ज्यादा भाषण न देना पड़े। तो मैं अनावश्यक जो है, आप तमाम लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, सद्भावना दौर थोड़ी देर से शुरू हुई और तब से लेकर के यह जो सभा हो रही है इसमें बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, तो मैं आपका वक्त अनावश्यक बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जब हमारे माथे पर ये कोल्हापुरी फेटा बंधा जा रहा था, तो मुझे एक बात याद आ रही थी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे। बिल्कुल सुबह सुबह की बात है, हिंगोली के पास हमने देखा कि कोल्हापुरी फेटा बांधे हुए हजारों लोग और वहां पे हमारी मुलाकात हुई राहुल भाई से और बंटी पाटिल से। मैं इनको सतीश पाटिल नहीं बोलूंगा, मैं इनको बंटी पाटिल ही बोलूंगी, क्योंकि जनता जो नाम आपको दे दे, जनता जिस नाम से आपको पहचानने लगे, फिर आपका नाम वही हो जाए। तो ये दोनों लोग मुझे हिंगोली के पास मिले, और आप जानते हैं कि बिल्कुल वो महाराष्ट्र का एक कोना है। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि ये हजारों लोग आए कहां से हैं, क्योंकि आसपास जो है कोई बस्ती नहीं थी। जहां कोल्हापुर के पीएन पाटिल साहब जानते हैं, हजारों लोग लाइन लगा करके खड़े थे। और यह बात मैं आपकी प्रशंसा में नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची, घूमते हुए आ रहे थे, एक बार जो महाराष्ट्र घुसते हुए ही महसूस हुआ एज ए भारत यात्री कि सचमुच महाराष्ट्र पुनर्जागरण की धरती है, सचमुच महाराष्ट्र वो भूमि है कि जो आज सोचता है पूरा देश उसका अनुसरण करता है, महाराष्ट्र भूमि की। इतना अनुशासन, और आप किसी कार्यक्रम को देख लीजिए, सब लोग बड़े आराम से बैठे हुए हैं, इत्मीनान से जो है एक एक स्पीकर को सुन रहे हैं, और यह कार्यक्रम बिल्कुल एक अनुशासन पूर्ण तरीके से चल रहा है। ये महाराष्ट्र की पहचान है, ये संत तुकाराम की पहचान है, ये साहू जी महाराज की पहचान है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पहचान है, ये पहचान फूले की पहचान है। यह जो आंदोलनकारियों की भूमि है महाराष्ट्र, यह अपने आप में पूरे देश में एक अलग पहचान देती है आपको। तो उसी अलग पहचान के साथ कोल्हापुरी फेटे बने हुए हजारों लोग सड़कों के किनारे खड़े थे, तो मेरे मन में एक कौतूहलता बस सवाल आया कि ये लोग आए कहां से हैं। हमारी मुलाकात हुई राहुल भाई से और बंटी पाटिल जी से, उन्होंने कहा कि ये हमारे कोल्हापुर के लोग हैं, ये समता भूमि के लोग हैं, ये साहू जी महाराज की भूमि से चल करके आपकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। थोड़ी दूर हम इनके साथ चले,
हमारी बातचीत हुई और उन्होंने हमको कहा कि आप कोल्हापुर आइए, और उसी दिन हमने इनको अपनी जुबान दी थी कि अगली बार जब भी कोल्हापुर बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा।